डेमन स्लेयर सीजन 4 के बिल्कुल एपिसोड पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डेमन स्लेयर सीजन 4 एपिसोड नंबर 7 के बारे में। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा वाणिज्य का तांजिरो ने गियोमी का भी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया था और तांजिरो का मेहनत देखकर इनोस्के को भी जोश आ जाता है और इनोस्के भी पत्थर को बहुत ही जोर लगा के पुश करने लगता है और सरप्राइजिंगली इनोस्के भी पत्थर को हिलाने में कामयाब हो जाता है, जो देखकर ज़ेनित्सु काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन तभी ज़ेनित्सु के पास एक लेटर आता है जो देखकर ज़ेनित्सु काफी ज्यादा हैरान था। दूसरी तरफ तांजिरो पत्थर को पुश करते करते बहुत ही ज्यादा थक चुका था, वो बहुत ही जोर जोर से हाँफने लगता है। तांजिरो कहता है, मैं पूरी तरीके से थक चुका हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मरने वाला हूँ, मुझे पानी चाहिए। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर गियोमी आ जाता है और गियोमी तांजिरो के ऊपर पानी छिड़कता है, जिसके बाद तांजिरो एक बार फिर से नॉर्मल हो जाता है। तांजिरो यहाँ पर गियोमी को शुक्रिया कहता है, लेकिन गियोमी एक बार फिर से तांजिरो के ऊपर पानी डालने लगता है। इसके बाद गियोमी कहता है, तुमने शोरसेट ब्रिज में अपने बहन के बदले बाकियों का जान बचाने का डिसाइड किया, तुम्हें अपने आप के ऊपर गर्व करना चाहिए तांजिरो कमांडो। लेकिन तभी तांजिरो कहता है, मेरे ख्याल से आप गलत समझ रहे, मैं उस दिन डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि मैं अपने बहन को बचाऊं या फिर गांव वालों को, और गांव वाले ऑलमोस्ट मरने वाले थे, लेकिन मेरे बहन ने ही उन सभी को बचाने के लिए कहा था, तो मैं आपके तारीफ के बिल्कुल भी काबिल नहीं हूँ। ये सुनकर गियोमी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। गियोमी अपने मन ही मन कहता है, बच्चे बहुत ही नादान और बहुत ही कमजोर होते थे, वो बहुत ही आसानी से झूठ बोल लेते हैं, जो कभी कभी सच नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये बच्चा बाकी सभी से अलग है। तांजिरो यहाँ पर आगे कहता है, मैं हमेशा से ऐसे एक रास्ते पे चलना चाहता था जहाँ पर कोई भी गलती ना हो, इस जर्नी पे मेरे बहुत सारे लोगों ने मदद की, तो इतना जल्दी इतना बड़ा फैसला मत लीजिए। इसके बाद तांजिरो गियोमी के सामने झुककर कहता है, मेरे ऊपर पानी छिड़कने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने ट्रेनिंग में मेरी जो भी मदद की उसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद गियोमी एक बार फिर से कहता है, अभी मेरे सारे डाउट्स खत्म हो चुके हैं, अभी मेरा रेस्पेक्ट तुम्हारे लिए और भी ज्यादा बढ़ चुका है तांजिरो, लोग चाहे जितना भी कहे लेकिन मैं तुम्हें रेस्पेक्ट करता हूँ। तांजिरो को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आता। इसके बाद हमें गियोमी का पास जाने मिलता है। गियोमी असल में मंदिर पे अनाथ बच्चों को पाला करता था, जिनका कोई भी परिवार नहीं था। डेमन्स के डर की वजह से वो लोग जंगल में बहुत ही अंदर रहा करते थे, लेकिन एक दिन एक बच्चा टेंपल का नियम तोड़ता है और वो अंधेरा होने से पहले टेंपल पे वापस नहीं आता, और तभी अचानक से एक डेमन आकर उसे ढूंढ लेता है। वो बच्चा अपने आप का जान बचाने के लिए पाकियों का कुर्बानी देने के लिए भी बिल्कुल तैयार था। वो डेमन आते ही टेंपल के चार बच्चों को मौत के घाट उतार देता है, जो बाकी के चार बच्चे थे। गियोमी उन सभी को बचाना चाहता था, लेकिन बाकियों को लगता है कि गियोमी कमजोर और अंधा है, तो इसी वजह से सभी लोग अपने अपने जान बचा के भागने लगते हैं। वापस सायो नाम की एक लड़की थी जो हमेशा गियोमी की बात सुना करती थी। इस घटना के वक्त सायो बिल्कुल गियोमी के पीछे छिपी हुई थी, तो गियोमी भी सायो को आखिरी दम तक बचाने का प्रण लेता है, और ऐसे ही गियोमी उस डेमन को एक के बाद एक पंचेस मारते जाता है। और तभी गियोमी को अपने पावर के बारे में रियलाइज होता है, अगर वो डेमन नहीं आता तो गियोमी को अपने पावर के बारे में कभी भी रियलाइज नहीं होता। ऐसे जब सुबह होता है, उस डेमन का लाश वहां से गायब हो जाता है और लोग भी उनकी मदद करने के लिए आगे आते हैं। और जब पूछताछ की बारी आती है, वो लड़की सायो कहती है, वो आदमी एक मॉन्स्टर है, उसी ने सभी को मारा है। और ये सुनकर तांजिरो का होश उड़ जाता है। इसके बाद गियोमी कहता है, इसमें उस बच्चे का कोई भी गलती नहीं है, वो शायद बहुत ही कंफ्यूज हो गई थी। उस इंसिडेंट के बाद गियोमी को जेल पे बंद कर दिया जाता है, यहाँ तक कि उसे फांसी का ऑर्डर दिया जाता है। अगर मास्टर कागाया तभी नहीं आते तो आज गियोमी जिंदा यहाँ पर खड़ा नहीं होता। गियोमी इसके बाद तांजिरो को कहता है, मैंने भी तुम्हारे ऊपर पहले विश्वास नहीं किया था, लेकिन तुम भागे नहीं, सभी का डटकर सामना किया। ये शायद तुम्हारे लिए बहुत ही आसान लग सकता है, लेकिन इस दुनिया में ऐसे करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। और तांजिरो, तुम बहुत ही स्पेशल हो, और आगे से मुझे तुम्हारे ऊपर नजर रखना होगा ताकि तुम गलत रास्ते पे ना जा सको। तांजिरो कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं अपना बेस्ट करूंगा। इसके बाद गियोमी तांजिरो के सर के ऊपर हाथ रखता है और ऐसे ही गियोमी का ट्रेनिंग खत्म हो जाता है। इसके बाद हमें तांजिरो के ट्रेनिंग कैंप पे ले जाया जाता है, जहाँ पर हमें सिर्फ गेनिया इनोस्की और तांजिरो देखने मिलता है। तांजिरो यहाँ पर उन दोनों के लिए खाना बना रहा था। गेनिया यहाँ पर कहता है, सब कुछ के बाद भी हिमेजिमा एक अच्छा आदमी है, उसने पहले मुझे अपना अप्रेंटिस बनाने से इनकार कर दिया था क्योंकि मेरे पास कोई टैलेंट नहीं था, लेकिन मेरे ख्याल से उसने गेस कर लिया था कि मैं डेमन्स को खा रहा हूँ, और इसके बाद उन्होंने मुझे अपना अप्रेंटिस बना लिया। बाद में उन्होंने मुझे एग्जामिन के लिए लेडी कोचो के पास जाने के लिए कहा था, लेकिन पता नहीं क्यों लेडी कोचो ने मुझे देखकर ही अजीब सा मुंह बना लिया था। वैसे मेरे ख्याल से तुम्हें भी लेडी कोचो से बहुत डांट पड़ी होगी। तांजिरो कहता है, मेरे ख्याल से अगर मुझे भी ब्रीथिंग टेक्निक नहीं आता तो मुझे भी शायद तुम्हारी तरह ऐसे मुश्किलें झेलनी होती, लेकिन मेरे ख्याल से लेडी कोचो को तुम्हारी हेल्थ के बारे में चिंता होगी। वैसे मैं खाने के बाद गियो के साथ मिलने के लिए जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ आना पसंद करोगे? गेनिया यहाँ पर ना कर देता है
क्योंकि उसने अभी तक अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट नहीं किया था। लेकिन तभी इनोस्के कहता है, मैं बहुत ही करीब पहुंच चुका हूँ बिना ब्रीथिंग टेक्निक वाले। इनोस्के यहाँ पर गेनिया को चिढ़ाने लगता है और गेनिया भी यह सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उन दोनों में हाथापाई शुरू हो जाता है। लेकिन तांजिरो बीच में आकर उन दोनों को रोक लेता है। इसके बाद तांजिरो कहता है, अगर तुम मेरे साथ आते तो मैं तुम्हारे भाई के बारे में कुछ कहना चाहता था। इसके बाद सुबह हो जाता है। सुबह होते ही तांजिरो आखिरी बार के लिए ज़ेनित्सु से मिलने के लिए जाता है। हमें देखने मिलता है ज़ेनित्सु यहाँ पर बोल्डर के ऊपर बैठकर ध्यान कर रहा है। तांजिरो पूछता है, वैसे ज़ेनित्सु क्या तुमने अभी तक बोल्डर को हिलाया? ज़ेनित्सु यहाँ पर बहुत ही सीरियस मूड में कहता है, अभी तक मैंने अपने पत्थर को नहीं हिलाया। तांजिरो इसके बाद कहता है, वैसे मैं अपने नेक्स्ट ट्रेनिंग में जा रहा हूँ लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में थोड़ा सा चिंता हो रहा है, क्या तुम सच में ठीक हो? ज़ेनित्सु इसके बाद कहता है, मेरे बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है तांजिरो, तुम्हारे पास ऐसा कुछ है जो तुम्हें करना है और मेरे पास भी कुछ ऐसा जो सिर्फ मैं कर सकता हूँ। हमें देखने मिलता है यहाँ पर ज़ेनित्सु के सर से खून निकल रहा था। लेकिन इसके बाद तांजिरो वहां से आ जाता है। लेकिन यहाँ पर तांजिरो ज़ेनित्सु और नेज़ुको के बारे में बहुत ही ज्यादा चिंता में था। इसके बाद हमें गियू के डोजो के पास एक बैम्बू फॉरेस्ट में ले जाया जाता है, जहाँ पर हमें देखने मिलता है गियू और सानमी वो दोनों आमने सामने थे और उन दोनों के हाथों में यहाँ पर वुडन स्वॉर्ड्स थे और इसके बाद पलक झपकते सानमी अपने विंड ब्रीथिंग फर्स्ट फॉर्म की मदद से गियू के ऊपर हमला कर देता है। गियू से बेयरली डॉज करता है। हमें देखने मिलता है यहाँ पर गियू का आधा सोर्ड यहाँ पर टूट भी जाता है। दूसरी तरफ तांजिरो छिपकर उन दोनों का डुअल देख रहा था और उन दोनों का स्पीड देखकर तांजिरो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो दोनों ऐसे ही अपने वुडन सोर्ड से क्लैशिंग करने लगते हैं। इसके बाद गियू वाटर ब्रीथिंग फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल करता है और सानमी के पैर पे अपने वुडन सोर्ड से हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन सानमी यहाँ पर जंप मार के गियू के बिल्कुल पीछे पहुंच जाता है और पीछे से अपने विंड ब्रीथिंग के फिफ्थ फॉर्म की मदद से हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन गियू यहाँ पर तुरंत पीछे मुड़ जाता है और अपने वाटर ब्रीथिंग सेवंथ फॉर्म का इस्तेमाल करता है। उन दोनों के सोर्ड जैसे एक दूसरे के साथ टकराते हैं, उन दोनों के वुडन सोर्ड पूरी तरीके से टूट जाते हैं। इसके बाद सानमी कहता है, क्यों ना अभी हम लोग इस डोल को अपने हाथों से कंटिन्यू करें। लेकिन तभी तांजिरो यहाँ पर पीछे से उन दोनों को ही रुकने के लिए कहता है। तांजिरो यहाँ पर गियू के सामने सीना चौड़ा करके खड़ा हो जाता है। तांजिरो कहता है, क्या आप दोनों एक दूसरे को मारना चाहते हो? तांजिरो को देखकर सानमी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। सानमी कहता है, अबे तू यहाँ पर क्या कर रहा है? तो जो तुम उससे दूर रहने के लिए कहा गया था ना, और तू यहाँ पर मेरे ऊपर जासूसी कर रहा है। लेकिन इसके बाद तांजिरो कहता है, क्या आप दोनों ओहागी के लिए लड़ रहे हो? अगर ऐसी बात है तो मैं आप दोनों के लिए ओहागी बना सकता हूँ। यह सुनकर सानमी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। सानमी कहता है, क्या तुम्हें यहाँ पर मजाक सोच रहा है? लेकिन इसके बाद तांजिरो कहते हैं कि जब वो सानमी के डोजो पे ट्रेनिंग करने के लिए गया था तभी उसने सानमी को मोची खाते हुए देखा था और उसने सानमी के डोजो पे ग्रीन टी का अरोमा और ओहागी का सेंट भी सेंस किया था। यह सुनकर सानमी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। यू इसके बाद कहता है, तो शिनाज़ुको तुम्हें ओहागी पसंद है? यह सुनकर सानमी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। सानमी कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, ओहागी सच में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो बताओ तुम्हें छोटा या फिर बड़ा पसंद है? वैसे मुझे अपने दादी माँ की ओहागी बहुत पसंद है। इसके बाद ही सानमी यहाँ पर तांजिरो को बहुत ही जोर का पंच मारता है और तांजिरो वहाँ पर ही बेहोश हो जाता है। इसके कुछ देर बाद तांजिरो को होश आता है। गियू कहता है कि सानमी ने गुस्से में तांजिरो को पंच मार के बेहोश कर दिया था। इसके बाद तांजिरो पूछता है कि वो दोनों वुडन सोर्ड से क्या कर रहे थे। गियू कहता है, वो दोनों बेसिकली एक डुअल कर रहे थे। तांजिरो इसको सुनकर बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। इसके बाद तांजिरो उन दोनों के बीच में इंटरफेयर करने के लिए माफी मांगता है। तांजिरो कहता है, मुझे माफ कर देना, दरअसल मेरे और सानमी के बीच में एक बहुत बड़ा लड़ाई हो गया था और उसके बाद से वो मेरे ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा है, लेकिन मुझे एटलीस्ट पता चल गया कि उसे ओहागी पसंद है। गियू कहता है, जब वो नेक्स्ट टाइम सानमी के साथ मिलेगा तो वो सानमी को देखते ही ओहागी देगा ताकि उन दोनों के बीच का रिश्ता इम्प्रूव हो सके। ये आइडिया सुनकर तांजिरो भी कहता है, अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है, आगे से मैं भी ये करूंगा। रात हो जाता है। सानमी यहाँ पर अपने डोजो की तरफ जा ही रहा था लेकिन वो तांजिरो को याद करके बहुत ही ज्यादा इरिटेट फील करने लगता है। लेकिन तभी अचानक से उसे जंगल में कुछ आवाजें सुनाई देता है। सानमी जैसे यहाँ पर जंगल के बीच में अपना हाथ डालता है उसे यहाँ पर एक डेमन का आग देखने मिलता है, जो देख कर यहाँ पर सानमी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद हमें उबयोशी की मैंशन पे ले जाया जाता है और हमें देखने मिलता है वहाँ पर एक अनजाना आदमी आ चुका है और हमें देखने मिलता है ये और कोई नहीं, यह था मुजान की वो सूची। एंड दैट्स इट फॉर द डेमन स्लेयर सीजन 4 एपिसोड नंबर 7। तो एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा सो मेरे को ऑब्वियसली कमेंट करके बताओ एंड वीडियो से वीडियो को लाइक करो, चैनल बने तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।